हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिर मचेगा हंगामा, फिर से जमेगा रंग, फिर होगी आप सबके घर पर बिग बॉस की एंट्री। जी हाँ, कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का फैंस में क्रेज बढ़ चढ़कर बोलता है। हर बार के सीजन में कंटेस्टेंट्स के बीच कुछ ना कुछ ऐसा होते देखने को मिलता है जो सोशल मीडिया पर लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो अब बिग बॉस OTT 2 के धमाकेदार एपिसोड्स के बाद मेकर्स अब इस शो के तीसरे OTT सीजन के साथ हाजिर होने वाले हैं। जब से बिग बॉस 17 का टेलीविजन शो खत्म हुआ, तभी से ये चर्चा तेज हो गई कि अब मेकर्स ने बिग बॉस OTT 3 के लिए कंटेस्टेंट्स की तलाश शुरू कर दी है। बिग बॉस OTT 2 की तरह तीसरे सीजन में भी टेलीविजन स्टार्स के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तरजीह दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों को अप्रोच भी किया जा रहा है जिनकी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच धूम है। बिग बॉस OTT 3 के लिए विक्की जैन से लेकर सिजान खान तक का नाम सामने आ चुका है। इस बीच एक और नाम सामने आया है जो इस शो के साथ OTT पर डेब्यू कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहम्मद सरिया को बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच किया गया है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने वोडका डायरीज, निर्दोष, वीरे दी वेडिंग, द जोया फैक्टर जैसे कुछ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो कुछ म्यूजिक वीडियोस का भी हिस्सा रह चुके हैं। मोहम्मद सरिया ने बिग बॉस OTT 2 के चर्चित कंटेस्टेंट रहे पुनीत सुपरस्टार के साथ कुछ रील्स के लिए कोलैब किया है। इंस्टाग्राम पर उनके साथ में कुछ वीडियो इस बात का इशारा करता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। वैसे ये काफी पॉपुलर हैं, तभी तो माय नेम इज खान फिल्म पर बनाया गया उनका रील काफी चला था, जिसमें उन्होंने मैसेज दिया था कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते। तो अब पुनीत के जैसे उनके फ्रेंड भी होंगे एक ही दिन में घर से बेघर, या रहेंगे और जीतेंगे ये शो, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।